श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में प्रिय बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान और हम लोग अगले दिन का कुछ अध्ययन कर चुके हैं। पुनरुद भवन पुनर्जनन के बारे में हम अगले दिन का अध्ययन कर चुके हैं। किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतया नए जंतु की उत्पत्ति होना पुनर्जनन या पुनरुद भवन कहलाता है। जैसे हाइड्रा या प्लेनेरिया आदि में ऐसी प्रक्रियाओं का होना पाया जाता है। इन जंतुओं को हम कई टुकड़ों में काट लेते हैं, फिर भी प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव की उत्पत्ति कर लेते हैं। तो ये है जो है पुनरुद भवन या पुनर्जनन। उसके बाद आज है आगे मुकुलन। आज हेडिंग डी है मुकुलन। मुकुलन इस प्रक्रिया में जनन इस प्रक्रिया में जनन जनन कोशिका पर जनन कोशिका पर एक एक उभार एक उभार बनता है। एक उभार बनता है जो जो मुकुल कहलाता है। जो मुकुल कहलाता है यह मुकुल धीरे 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 बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है और मातृ और मातृ कोशिका से और मातृ कोशिका से अलग होकर होकर स्वतंत्र स्वतंत्र पादप बना लेता है। स्वतंत्र पादप बना लेता है। उसके बाद उदाहरण है इष्ट इष्ट उसके बाद हाइड्रा
हाइड्रा आदि। यह है मुकुलन। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है। इनका कहने का अर्थ है, इनका चित्र भी है, वही बता रहा है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है जो मुकुल मुकुल कहलाता है। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और वही मुकुल जो एक उभार बनता है वही मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मातृ कोशिका से और वह जिस कोशिका से जुड़ा हुआ है उससे मात्र मतलब केवल उनसे अलग होकर एक स्वतंत्र पादप बना लेता है। दोबारा फिर से उदाहरण है ईस्ट और हाइड्रा आदि। तो इनका चित्र भी है, इनका ए वाला चित्र है इस प्रकार का। ए है ए वाला है, ए है केंद्रक। ए है केंद्रक, बी वाला है भी है केंद्र, ये है मुकुल। ये है मुकुल दूर ए बी सी वाला है उसके बाद। सी वाला भी है दो केंद्रक। दो केंद्रक उसके बाद सी वाला है, उसके बाद डी वाला आता है।
ये हैं पुत्री केंद्रक। ये हैं पुत्री केंद्रक और ये हो गया आपका डी वाला है, ये हो गया ईस्ट में मुकुलन और ईस्ट में मुकुलन मुकुलन और उससे बनने वाली श्रृंखलाएं और उससे बनने वाली और उससे बनने वाली वाली श्रृंखलाएं और उससे बनने वाली श्रृंखलाएं ये हैं। तो क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता, जो ए वाला चित्र है इसमें केंद्रक लिखा है और बी वाले में चित्र में वही बता रहा है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है जो मुकुल बड कहलाता है। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मात्र कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है। यह है ईस्ट में मुकुलन और बी सी में एक प्रकार की दो केंद्रक। उसके बाद डी वाले में दिया ईस्ट में मुकुलन, जो एक कोशिका पर कई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं या इनका विभाजन होता है, तो इस प्रकार के पादप बना लेते हैं जैसे ईस्ट और हाइड्रा में। इसके बाद हाइड्रा का भी चित्र है, ये हैं हाइड्रा। ये है मुकुल। उसके बाद बी और सी
हाइड्रा बहुकोशिकीय जंतु। ये है हाइड्रा बहुकोशिकीय जंतु, वही उनका भी वही उदाहरण है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है, जैसे मुकुल है या हाइड्रा है, जिसमें एक मुकुल का उभार होता है, उसके बाद ये हाइड्रा अलग बनते हैं धीरे धीरे वृद्धि करके। उसी प्रक्रिया में एक उभार बनता है जो मुकुल बहुत कहलाता है, या मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बहुकोशिकीय मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप या धीरे धीरे यहाँ हो गया और इस तरह से अलग होकर के यह हाइड्रा बहुकोशिकीय जंतु।